अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कीमा प्याज की रेसिपी। सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मजे मजे की रेसिपीज आप तक पहुंच सके। चलें अब बनाना शुरू करते हैं। 2 चम्मच मैंने ऑयल ली है और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। ये मैं डालूंगी कढ़ाई में, चम्मच की मदद से आपने इसको हलाना है। अब मैं ऐड करने लगी हूँ कीमा। कीमा मैंने लिया है मटन का 1/2 किलो, आप चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ कीमा भी ले सकते हैं। ये मैंने मटन का कीमा लिया है 1/2 किलो, इसको मैंने हल्का सा भूनना है जब तक कलर चेंज नहीं होता। ये देखिए कीमे का कलर चेंज हो रहा है, तब तक हमने भूनना है जब तक ये पानी खुशक ना हो जाए कीमे का। वैसे तो मैंने खुशक कीमा ही लिया था, हर घर की पसंद है कीमा प्याज के। सुबह उठते ही ये काम शुरू होता है कि आज क्या पकाना है। बच्चों से पूछो, बड़ों से पूछो, कोई अपनी फरमाइश बताता है, कोई अपनी फरमाइश बताता है। आज आप कीमा प्याज बनाएं मेरे स्टाइल से। इसको आपने 2 से 4 मिनट तक भूनना है। ये देखें, अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर मैंने 2 से 3 अदद टमाटर लिए थे, जिनको मैंने टुकड़ों में काट लिए हैं, इनको आपने अंदर ही मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट आपने टमाटरों को फुलाना है। ये देखें ऑयल निकलना हमारा शुरू हो गया है। ये देखें टमाटर हमारे तकरीबन डाल चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले मैंने घर के इस्तेमाल किए हैं, बाजार का कोई मसाला नहीं है। जैसे कि लोग डालते हैं तिक्का मसाला, गोमा मसाला, मेरे सादे आम से मसाले हैं जो हम रोज़ाना ये सब्ज़ी में डालते हैं। मिर्च मैंने लिए 1/2 चम्मच, पीसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 चम्मच, सूखा धनिया पीसा हुआ पाउडर लिया है 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा पीसा हुआ, नमक 1/2 चम्मच लिए है, आप हसबे जायका नमक ले सकते हैं। अब मैं इनको मिक्स करूँगी। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें सब्ज मिर्चें डालूंगी। सब्ज मिर्च मैंने 2 से 3 अदद ली थी, चौकी भी, इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार कीमा बनेगा। आपने 2 से 4 मिनट तक अच्छी तरह हलाना है इसको। ये देखिए कीमा हमारा तकरीबन भून चुका है, मसाले हमारे सारे मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी मैंने 1 प्याली पानी ली है ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह से गल जाए। हल्की आंच पे आपने रख के इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए, जब तक हमारा पानी खुशक ना हो जाए, ऊपर आपने ढक्कन दे देना है। अब 15 मिनट बाद मैं अब इसका ढक्कन काटने लगी हूँ। ये देखें कीमा हमारा तैयार हो गया है, कितनी खूबसूरत शक्ल आ रही है। सब्ज़ मिर्च की, टमाटर की, देखें खिले खिले कलर सारे प्यारे प्यारे आ रहे हैं। देखने में तो बहुत ही लजीज है, खाने में बहुत ही मज़े का हो गया। मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज मैंने गोल गोल रिंग की तरह काट लिए थे, 3 से 4 अदद प्याज है मेरे। अब मैं इनको प्याज को डालूंगी कीमे में। खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अभी इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी जीरा और काली मिर्च का भी, खुशबू के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अब इसको हमने चम्मच की मदद से हलाना है, अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। 2 से 4 मिनट में आप इसके ऊपर ढक्कन देने लगी हूँ। ये मिक्स हो गया सारा। ये अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। वाह, कितनी प्यारी शक्ल और कितनी प्यारी खुशबू आई है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। हमारा कीमा प्याज तैयार है। आप इसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। प्याज हमारा गल चुका है, ये देखें नरम सा। अब मैं इसको डोंगे में निकालूंगी। आज मैंने अपने बेटे की फरमाइश पे कीमा प्याज बनाया है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है कीमा प्याज, इसलिए आप ही अपने बच्चों की फरमाइशों पे बनाएं। ये बच्चे जो शौक से खाएं वही माँ को बनाना चाहिए। ये मज़ेदार सा कीमा प्याज हमारा तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। आप मेरी वीडियो देखते रहा करें, आपको मज़े मज़े की रेसिपी मिलेंगी।
खाने को, देखने को,